राकेश यादव, आप सभी का स्वागत करता हूँ सिद्धांत की तरफ से। अभी हम आज यहाँ पर डेमो लेने वाले हैं जो सिरकानेट सॉफ्टवेयर है, ट्रेड टाइगर। यहाँ आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन पे आपको यहाँ पर ट्रेड टाइगर का ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन किया हुआ डेस्कटॉप पेज दिख रहा है। अगर आप देखोगे डेस्कटॉप पे आपको इस तरह ट्रेड टाइगर लिखा हुआ लोगो दिखेगा, उस पर आप डबल क्लिक करोगे, उसके बाद आपको इस तरह का लॉगिन पेज दिखेगा। यहाँ पर लॉगिन में आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है। जो मैं यहाँ लॉगिन करने के लिए भी डाल रहा हूँ एक कस्टमर का मेंबरशिप पासवर्ड डालना है। ट्रेडिंग पासवर्ड डालना है। जो भी इंडिविजुअल यूजर है उनके लिए यहाँ स्टे साइन इन का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो आप जब भी दोबारा लॉगिन करोगे तो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी मैं लॉगिन कर रहा है, ठीक है, ये मैंने लॉगिन का प्रोसेस किया। सर्वर से कनेक्ट हुआ है ये हमारा सिस्टम। उसके बाद जब लॉगिन होने के बाद हमको 30 सेकेंड, 10 सेकेंड वेट करना है, सिस्टम सेट हो जाए तब तक के लिए। यहाँ पर एक पेज ओपन होगा व्हाट्स न्यू लिख के। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया हमको, एनएससी बीएससी मार्केट क्लोज, एमसीएक्स मार्केट ओपन है। थोड़ा जो डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा जो ट्रेड टाइगर है वो प्रॉपरली रन करेगा। 30 सेकेंड के बाद हमको एक पेज दिखेगा व्हाट्स न्यू। जब ये पेज दिखता है इस तरह का तब तो आपका ये सिस्टम रेडी है वर्क करने के लिए। जब ये पेज ओपन होता है व्हाट्स न्यू लिखे, देन आफ्टर आप नॉर्मली ट्रेडिंग ले सकते हो। अभी हम यहाँ बेसिकली जो क्या टूल्स दिए हुए हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसमें यहाँ पर होम पेज के अंदर जो टूल्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट टूल्स, उसमें यहाँ पर लॉगिन के दो टूल्स दिए हुए हैं, लॉगिन और लॉग ऑफ। दोनों में फर्क इतना सा है कि लॉग ऑफ करते हो आप तो आप सेकेंड यूजर्स का यूज कर सकते हो, और एग्जिट करते हो और अगर आपने जैसे मैंने बताया था आपको स्टे इन किया हुआ है तो सेकेंड टाइम आप जब भी लॉगिन करते हो तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं रहेगी, वो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ये फर्क है। देन आफ्टर इम्पोर्टेंट टूल्स में हमको अभी यहाँ पर मार्केट वॉच का रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो इस तरह ब्लैंक मार्केट वॉच ओपन होने के लिए यहाँ एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें लोकल और ग्लोबल दो टाइप की मार्केट वॉच बनती है। नॉर्मली आप अगर अपने पीसी में ही ट्रेड टाइगर यूज कर रहे हो तो आपको लोकल मार्केट वॉच ही प्रीफर करना है। ग्लोबल मार्केट वॉच वो है आपको सपोज आप साइबर कैफे या फिर कहीं किसी और पीसी से यूज कर रहे हो तब आपको ग्लोबल मार्केट वॉच का रिक्वायरमेंट रहता है। सो नॉर्मली लोकल मार्केट वॉच प्रिफरेबल है, उसका शॉर्टकट की है F12। यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो एक ब्लैंक पेज ओपन होगा, ये मार्केट वॉच हमारा ओपन हुआ है, पेज ओपन हो गया हमारा। अब इस पेज के अंदर सपोज मुझे कोई स्क्रिप्ट ऐड करना है तो मुझे इंसर्ट बटन क्लिक करना है मुझे यहाँ पर या फिर यहाँ पर ऐड स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, शॉर्टकट की है इंसर्ट। ये इंसर्ट क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको एनएसी बीएसी बोथ पे दिया हुआ है, या एनएसी क्लिक करके आपको जो भी स्क्रिप्ट ऐड करनी हो सपोज फेडरल बैंक तो आपको फेडरल लिखना है तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पर आ जाएगी। देन आफ्टर एंटर प्रेस करोगे वो मार्केट वॉच में आपकी ऐड हो जाएगी। सपोज आपको बैंकिंग में एसबीआई बैंक लिखना है, एंटर करना है तो आपको यहाँ एसबीआई बैंक लिखना है, एंटर करोगे तो वो बैंक आ जाएगी यहाँ पर। सपोज आपको टाटा केमिकल ऐड करना है, टाटा केमिकल लिखते हो तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर ऐड स्किप करोगे तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगी। इस तरह आप यहाँ मार्केट वॉच अपना ऐड कर सकते हो। ये मार्केट वॉच बनाने के बाद में यहाँ आपको सेव करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है सेव, या फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल एस करते हो यहाँ पर शॉर्टकट की तो आपका जो स्क्रिप्ट आपने बनाया हुआ है मार्केट वॉच वो यहाँ सेव हो जाएगा। उसको सपोज मैं नाम देता हूँ यहाँ पर राकेश और इसको सेव किया मैंने यहाँ पर। देन आफ्टर सेकेंड डे सपोज मैं दोबारा लॉग इन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर मार्केट वॉच अपना लॉग इन करना है तो मुझे यहाँ जाना रहेगा और यहाँ क्लिक करूंगा मैं तो
तो मेरा मार्केट वॉच ओपन हो जाएगा जो मैंने सेव किया है। अभी मैंने यहाँ 3 स्किप ऐड की हुई है। सपोज मैं यहाँ पर बैंकिंग के अलावा अदर सेक्टर का स्किप ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैंक रो चाहिए, तो मैं इस तरह करूंगा मेरा ब्लैंक रो आ जाएगा। देन आफ्टर मैं कोई और स्किप ऐड करता हूँ जैसे रिलायंस, तो इस तरह का सेक्टर वाइज हम अलग अलग उसको रो में स्किप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे अगर स्क्रिप्ट जो बनाई है मैंने अपनी मार्केट वॉच वो मुझे डिलीट करना है मुझे, तो मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ राकेश पे तो मार्केट वॉच मेरा डिलीट हो जाएगा। देन आफ्टर इम्पोर्टेंट में यहाँ पर प्रीफिक्स मार्केट वॉच दिया हुआ है एनएससी बीएससी का या निफ्टी 50 का दिया हुआ है। सपोज मैं निफ्टी 50 क्लिक करता हूँ तो प्रीफिक्स निफ्टी 50 का जो मार्केट वॉच है वो हमको यहाँ देखने को मिलेगा। सिमिलरली बीएससी का प्रीफिक्स मार्केट वॉच दिया हुआ है यहाँ पर, ऑटो सेक्टर है, पिक ट्रेड है, स्मॉल कैप है, BSE 100 है, जो भी मार्केट वॉच सेंसेक्स है, सब वो सेंसेक्स के जो भी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। देन आफ्टर अगर आपका FNO एक्टिव है तो FNO की भी यहाँ पर प्रीफिक्स मार्केट वॉच दी हुई है। यहाँ पर MCX की भी प्रीफिक्स मार्केट वॉच दी हुई है, और जिनका मैं लॉगिन लिया हुआ उनके अंदर MCX एक्टिव नहीं है तो ये MCX अलाउ नहीं कर रहे यहाँ पर। देन आफ्टर ये ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन है, इसके अंदर यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन में मैं आप क्लिक करता हूँ यहाँ पे, जैसे आरटी इंडस्ट्री का फ्यूचर है और मैं उसका ऑप्शन चेन देखना चाहता हूँ यहाँ पर मैं, तो इस तरह का एक ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन होगा जिसके अंदर आप यहाँ जाके अपना स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी का अगर आपको देखना है सभी स्ट्राइक प्राइस का क्या मूवमेंट चल रहा है तो इस तरह दिखेगा। ये ऑप्शन चेन के अंदर आपको यूजफुल ही रहेगा कि आपको एक ही पेज पे कॉल पुट के सभी आपको स्ट्राइक प्राइस के आपको लाइव रेट्स देखने मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी मार्केट चल रहा था 39,700 सपोज, तो 39,700 का कॉल और पुट, कॉल 433 भी चल रहा है और पुट यहाँ पर 154.80 भी चल रहा है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट और आपको सब डेटा यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर ये थोड़े टूल्स दिए हुए हैं जो जिनको आप यहाँ देख सकते हो, प्राइस अलर्ट रखना है या ग्रीन लाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। आपकी ये स्क्रिप्ट है इसके अंदर आपको यहाँ पर लाइन शेयर होगा सपोज, तो इस तरह का आपको बायफिजिकल लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर जो टूल्स दिए उसे शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले सपोज अगर मुझे यहाँ पर फेडरल बैंक बाय करना है तो मुझे शॉर्टकट की यहाँ पर F1 है, F1 मैं क्लिक करता हूँ, F1 में क्लिक करता हूँ तो इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें आपका प्रीफिक्स बाय दिया हुआ यहाँ पर एनएससी सेगमेंट में बाय हो रहा है। सपोज आपको एनएससी में नहीं बीएससी में बाय करना है तो आप यहाँ से चेंज करके बीएससी कर सकते हो। नॉर्मली एनएससी में करोगे तो वो स्टैंडर्ड रहेगा, अभी यहाँ पर मैंने एनएससी किया हुआ है। F1 से बाय, ठीक है, एनएससी रखा, फेडरल बैंक मुझे बाय करना है। क्वांटिटी सपोज मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी डालता हूँ या 1,000 क्वांटिटी डालता हूँ, यहाँ ऊपर आपको देखने मिल रहा होगा प्रोडक्ट टाइप इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उस बैलेंस के अकॉर्डिंगली ही बाय होगा, कोई लिवरेज आपको नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का बाय कर रहे हो अगर आप वो सेल नहीं करते हो तो डिलीवरी बेस हो जाएगा। सपोज अगर आप वो सेल करते हो सेम डे में तो इंटर डे हो जाएगा, और अगर आप सेल नहीं करते हो तो सेकेंड डे वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1,000 शेयर बाय करने के लिए आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट रहेगा 29,400, 30% मार्जिन यहाँ पर आपका यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ प्राइस 98 दिया हुआ है, सपोज अगर आपको 98 से बाय नहीं करना, आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन होगा और मुझे 96 में बाय करना है, तो अगर 96 करोगे तो लिमिट पड़ेगी आपकी, जब 96 से प्राइस आएगा तो अभी ही वो बाय होगा। अगर आप यहाँ 0 करके बाय करने डालते हो तो जब यहाँ पर जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा मार्केट में उस प्राइस से ही बाय हो जाएगा। सपोज यहाँ अगर आपने ऊपर का प्राइस डाला 98 की जगह पर आपने 100 रुपीज डाल के प्राइस डाला, आपने अभी 100 का प्राइस डाला तो भी मार्केट प्राइस से बाय होगा। इसका मतलब समझो कि 0 से करता तो मार्केट प्राइस से बाय होगा, अगर ऊपर की प्राइस डाला तो भी मार्केट प्राइस से बाय होगा। सपोज 98 की जगह पर आप 96 लिखते हो तो वहां पर लिमिट पेंडिंग लिमिट जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं 98 जगह पर 96 रखे, फिर यहाँ पर मुझे दूसरा कुछ चेंज नहीं करना,
नहीं इन्वेस्टमेंट ही रखना है यहाँ पर। जीएमडी का मतलब है गुड फोर डे। आज 9 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ, तब से लेके 3:30 बजे तक आपका प्राइस नहीं आता है तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका प्राइस आता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज वो जो बीड हमने डाली हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर इसको मैं भी एक बार प्लेस करता हूँ ऑर्डर तो यहाँ पर अभी दिखाएगा मार्केट क्लोज है, बिकॉज मार्केट क्लोज इसलिए ऑर्डर जाएगा नहीं। ठीक है, अभी उसके अलावा ऑप्शन, यहाँ इन्वेस्टमेंट के अलावा यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ आपके पास जो बैलेंस है, जो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है उसमें ही बताया होगा। इंटेड ये सिरका एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको लिवरेज प्रोवाइड होता है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख रुपीज का इंट्राडे बाय कर सकते हैं। इंट्राडे प्रोडक्ट इंटेड है हमारा, जिसमें आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख तक का आप इंट्राडे कर सकते हो। उसका मार्केट वॉच यहाँ पर दिया हुआ है कौन सी स्क्रिप्ट में, हम इंटेड ये पिक्चर लिस्ट है, इसमें हम लिवरेज प्रोवाइड करते हैं। ये मार्केट जो यहाँ दिया हुआ है, इन कंपनी में आप अगर बाय करते हो इंट्राडे के लिए तो कंपनी आपको लिवरेज प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पिक्चर करते हो आप, देखो कि आपको यहाँ पर मार्जिन 20% ही आपका यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पर, और आपको मैक्सिमम उसको एक्सपोजर मिल रहा है जो 5 टाइम रहेगा। इसका कंडीशन ये है कि आप 9 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में अपना ट्रेड ले सकते हो। बट अगर सपोज आपने कोई स्क्रिप्ट बाय किया हुआ है और प्रॉफिट आया तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आप स्क्वेयर अप नहीं करते हो तो कंपनी 3:11 पे ऑटोमेटिकली स्क्वेयर अप कर देगी। ठीक है, तो ये बिग ट्रेड है। उसके अलावा ऑप्शन है यहाँ पर ईएमएफ करके। अभी आप सभी को मालूम ही है कि एक्सचेंज ने तो डिलीवरी बेस्ड लिवरेज देना बंद कर दिया है, तो वहां पर ये ईएमएफ की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। ईएमएफ यानी एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग। नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर ट्रेड लेते हो सपोज, और 1 लाख रुपीज आपके अकाउंट में है, और अगर आपने 1 लाख के सामने 1,20,000 का स्टॉक बाय किया सपोज, तो क्या होगा कि 20,000 का जो एक्स्ट्रा लीवरेज आपने यूज किया है वो आपको पेमेंट T+2 में करना रहेगा। अगर आपको T+2 में, यानी आज अगर मंडे को आपने बाय किया है और अगर आप उसका पेमेंट वेडनेसडे तक नहीं करते हो, बुधवार तक नहीं करते हो, तो कंपनी जो आपने एक्स्ट्रा लीवरेज लिया है 20,000 का, तो वो आपका स्क्वायर अप कर देगी कंपनी 5 दिन में। तो अगर वैसा ना करना हो और अगर आपको लीवरेज लेना हो तो उसके लिए ईएमएफ की फैसिलिटी है। अगर आप ईएमएफ करके स्टॉक बाय करते हो तो ये फैसिलिटी के अंदर आपको सपोज आपका 1 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है आपके डीमैट अकाउंट में, तो वहां पर 1 लाख के सामने आप 5 लाख तक का अपना, 1 लाख के सामने आप 3 to 5 4 लाख तक अपना लीवरेज यूज कर सकते हो। ये इसमें आपको जो आप लिवरेज यूज कर रहे हो 3 लाख का एक्स्ट्रा, मैं आपको स्टॉक स्क्वायर अप नहीं होगा। आप चाहे 1 मंथ रखे, 2 मंथ रखे, 6 मंथ रखे, आपका स्टॉक स्क्वायर अप नहीं होगा। और उसमें आपको मार्जिन मेंटेन करना रहेगा 25%, और इसके ऊपर कंपनी आपसे इंटरेस्ट ले रही होती है। ठीक है, तो ये ईएमआई फैसिलिटी है एक्सचेंज प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सेल करना है सपोज, तो यहाँ पर आपको F2 क्लिक करना है या फिर माइनस सिंबल क्लिक करना है। सपोज आपको कोई स्क्रिप्ट है, देखिए आपको अभी SBI बैंक सेल करना है, तो ये F2 करता हूँ या फिर माइनस का सिंबल मैं क्लिक करूंगा हमारे टी बोर्ड में, तो इस तरह का विंडो ओपन होगा जिसमें आपको सेल का विंडो है। यहाँ पर अगर आपका SBI बैंक है आपके अकाउंट में, 100 शेयर आपके SBI बैंक के है, तो सेम यहाँ सेल सेगमेंट है, BSE NSE स्क्रिप्ट नेम दिया हुआ है, इक्विटी दिया हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी आपको लिखना है, जो उस क्वांटिटी आपको सेल करना है। यहाँ आप लिख के, यहाँ प्राइस 515 रुपये भाव चल रहा है उसका अभी। सपोज आपको ऐसा लगता है कि आज मार्केट में 520 रुपये प्राइस जाने वाला है SBI का, तो आप यहाँ पर 520 लिखोगे तो आपका लिमिट पेंडिंग जाएगा, जब 520 प्राइस आएगा तभी सेल होगा। और अगर आप नीचे का प्राइस डालते हो 513 512 तो ये मार्केट से सेल हो जाएगा। अगर आप 0 रुपये प्राइस डालते हो तो अभी ये मार्केट से सेल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास ऑलरेडी डिलीवरी है तभी आप भेज रहे हो इसको, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ऑर्डर पेंडिंग में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपके पास SBI बैंक नहीं है तो, अगर आपके पास SBI बैंक नहीं है और फिर भी आपको शॉर्ट सेल करना है, पहले सेल करना है देन आफ्टर बाय करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है SAM सेल अगेन मार्जिन। इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है आपके पास SBI बैंक नहीं है और आप इस शेयर को सेल कर रहे हो, ठीक है, और मार्केट क्लोज होने से पहले आप इसे वापस बाय कर लोगे, देन इसका मतलब ये है कि जब मार्केट ओपन होता है तो
तो आपको ऐसा लग रहा है आज एसबीआई बैंक टूटने वाला है, तो आप पहले से ही एसबीआई बैंक को सेल कर दे रहे हो और मार्केट क्लोज होने से पहले आप उसको बाय कर लेते हो, तो आपका बाय और सेल सामने सामने सेटलमेंट हो जा रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो आपकी डीमैट में अगर शेयर होगा तो ही सेल का अलाउ करेगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगा। देन आफ्टर यहाँ पर सेम प्रोडक्ट दिया हुआ है, बिग ट्रेड और बिग ट्रेड प्लस। बिग ट्रेड और बिग ट्रेड प्लस दोनों ही कैश मार्जिन के लिए यूज हो रहे हैं यहाँ पर इक्विटी में। बिग ट्रेड में अगर आप शॉर्ट सेल करते हो यहाँ ये क्लिक करके, तो अगर आप मार्केट में एसबीआई बैंक आपने 100 शेयर सेल कर दिया, आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है फिर भी, तो मार्केट क्लोज होने से पहले 3:11 पर कंपनी ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ में आपका स्क्वायर अप कर देगी। तो बिग ट्रेड करके आप या बिग ट्रेड प्लस करके आप कोई भी सौदा ले रहे हो तो वहां पर आपको रिस्क नहीं रहेगा, बिकॉज कंपनी वो ऑटो स्क्वायर अप कर देगी। और अगर आपने ईएमएफ करके आपने बाय की हुई एसबीआई बैंक ऑलरेडी आपके अकाउंट में, तो जब आपको सेल करना है तो आपको ईएमएफ करके सेल करना है। इसके अलावा शेर खान में एक फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं, जीएफडी। जीएफडी यानी गुड फॉर डे, आपकी जो लिमिट है वो आज के दिन के लिए है, बट यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लिमिट देते हैं, बाय की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसमें सपोज अगर आपने एसबीआई बैंक बाय किया हुआ है 515 रुपए में, और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 1 मंथ में या 15 दिनों में एसबीआई बैंक 550 रुपए पहुंच जाने वाला है, तो आप ये माई जीटीडी का यूज करके आप यहाँ पर 1 महीने का डेट लिमिट रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ 25/11/2021 लिखा अभी यहाँ पर डेट। अगर मैं ये डेट सिलेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एसबीआई बैंक ऑलरेडी मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं 100 शेयर, जो मैं अब 550 रुपये में या 551 रुपये में मैं उसको 551 रुपये में इसे 551 रुपये में इसे मैं लिमिट रख रहा हूँ बाय करने की। जब भी आज से लेके 1 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक 551 रुपये का भाव आता है या 549.90 का प्राइस आता है, व्हाट एवर प्राइस आता है, ये प्राइस आएगा तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी मुझे रोज रोज लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरा लिमिट ऑटोमेटिकली डेली शेर खान आपके बिहाफ में यहाँ पर प्लेस कर देगा और आपका ऑर्डर आपको रोज एवरी डे वहां पर देखने को मिलेगा। उसकी कंडीशन इतनी है कि आपके पास सफिशियंट मार्जिन होना चाहिए और एसबीआई बैंक आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपके डीमेट अकाउंट में एसबीआई बैंक या जो उसकी आपने माई जीटीडी में रखी है वो अगर नहीं है अगर आपके अकाउंट में, तो ये ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा और ये ऑर्डर सुबह 9:15 पे एक्टिव होता है। सपोज 9 बजे प्राइस आ गया है 549.90 और फिर प्राइस नीचे आ गया तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं बाय सेल की। इसके अलावा अब आपको अगर F1 से बाय, F2 से सेल, F3 से आपको ऑर्डर विंडो रिपोर्ट देखने मिलेगा, जिसके अंदर आपने आज ऑर्डर डाले हैं। सपोज मैंने एसबीआई का शेयर बाय करने डाला हुआ है और मेरा शेयर परचेस हो गया या पेंडिंग लिमिट है, वो सब लिमिट आपको यहाँ देखने मिलेगी। F3 से, F5 से आपको यहाँ पर नेट पोजिशन देखने को मिलेगा। नेट पोजिशन में यहाँ पर आपको जो ऑर्डर आपके एक्सेप्ट हो गए होंगे वो देखने मिलेंगे, तो आप यहाँ ऑर्डर रिपोर्ट विंडो में भी देख सकते हैं। ये ऑर्डर विंडो जो मैंने एफ सी से बोला था वो सेम विंडो है, सेम यहाँ रिपोर्ट के अंदर नेट पोजीशन जो मैंने बताया F5 वो आपको नेट पोजीशन लिखेगी। आपने जितनी भी शेयर बाय की होंगी है उसका प्रॉफिट लॉस सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। M2M जो उसका घूम रहा होगा, आपने बाय किया है सेल किया, किस प्राइस पर बाय किया, किस प्राइस सेल किया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एवरेज बाय प्राइस, एवरेज सेल प्राइस, नेट प्रॉफिट, इन स्किप कोड सब कुछ देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। नेट नेट प्रॉफिट वही सेम थिंग यहाँ पर आपको ये पूरा कैश सेगमेंट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। वो लिमिट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे उसका शॉर्टकट की है F10, उसमें आपको यहाँ पर आपके अकाउंट में क्या बैलेंस है वो देखने मिलेगा। फर्स्ट ऑफ यहाँ करंट बैलेंस दिख रहा है 4,622, यहाँ पर करंट बैलेंस है। अगर आपने कोई स्टॉक अभी कैसा है, अभी मार्केट में SEBI के नए रूल्स आ गए कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो आप प्रीफिक्स कोई भी स्टॉक बाय नहीं कर सकते हो, आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, देन आफ्टर ही आप स्टॉक बाय कर सकते हो, या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको आप प्लेज करते हो तभी आप स्टॉक बाय कर सकते हो, वरना आपको वायलेशन पेनल्टी लगेगी। तो उसके लिए यहाँ पर लिमिट अगेंस्ट शेयर जो दिया ऑप्शन ये, जो कि मैंने 10 मिनट शेयर प्लेज किए हुए मैंने 37,000 किए, तो
तो जिसके लिए यहाँ पर मुझे लिमिट दिख रहा है 37,000, ये प्लस जो मेरे अकाउंट में कैश बैलेंस पड़ा है 4,622, इनका मर्ज करके मेरे पास 41,000 का वैल्यूएशन है, स्पेयर बाय करने की लिमिट है मेरे पास में। ये जो आपको जो लिमिट है इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो इस विंडो में, यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है वो आप क्लिक करोगे तो आपको F10 में वही 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 विंडो देखने को मिलेगा आपको, लिमिट सॉरी लिमिट स्टेटमेंट ये देखने को मिलेगा आपको, जो बताया आपको जो अभी वो यहाँ से वो F10 है तो आपको ये विंडो यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको सेम यहाँ पर ये डेरिवेटिव के लिए है ऑर्डर विंडो देखना है आपको तो F4 है उसके लिए शॉर्टकट की, टर्नओवर रिपोर्ट देखना है अगर आपको तो उसके लिए शॉर्टकट की है F6, और अदर रिपोर्ट देखना है आपको तो यहाँ से आप कंट्रोल F10 देने ये रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। करेंसी कॉमोडिटी के लिए है, अगर आपको अपने CA को अपना रिपोर्ट देना है कैपिटल गेन रिपोर्ट के लिए तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करें टूल्स के रिगार्डिंग, टूल्स में आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट टूल्स, यहाँ दो टूल्स दिए हुए हैं, ये वन क्लिक ट्रेडर एक टूल्स है हमारा जिससे आपको एक मार्केट सीनरियो आइडिया आएगा कि बेस्ट 20 सेल और वर्स्ट 20 सेल, जैसे मैं यहाँ बेस्ट 20 सेल्स में किया और एक कंडीशन रन की मैंने तो आज मार्केट में सेकेंड जो कंपनी बेस्ट 20 कंपनीज थी उसका डेटा मुझे यहाँ देखने को मिलेगा, ये कंपनी बेस्ट 20 थी, देन यहाँ पर वर्स्ट 20 देखना है मुझे अगर तो रन कंडीशन पर, तो ये वर्स कंपनी जिसे परफॉर्मेंस दिया आज मार्केट में डाउन जो थी उसका डेटा मुझे यहाँ देखने मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रीफिक्स सिंगल कंडीशन दी हुई जैसे कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा रफली आपको आइडिया लेना हो उसके लिए हमें पुल एंड ड्रैग का ऑप्शन है, सपोज निफ्टी के रिगार्डिंग देखना है तो मुझे निफ्टी इंडेक्स सिलेक्ट करना है, रन कंडीशन करना है यहाँ पर मुझे, जिससे आपको मार्केट का आइडिया आएगा कि आज मार्केट किस रेट पे था, बस वही क्लोज हुआ है क्लोज ऑफ द निफ्टी की जो 50 कंपनीज है मैक्सिमम कंपनीज ग्रीन में थी और कुछ ही कंपनी जैसे बजाज है M&M UPL और नेस्ले इंडिया जो है वही कंपनी रेड में थी, तो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो आपको बुलिश दिख रहा है, इस टूल से आपको एक आइडिया आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बावनिक हाई जो नई कंपनी कर रही है निफ्टी की कंपनी की बावनिक ग्लो कर रही है, आज का कोई था नहीं इसमें तो बावनिक ग्लो कर रही है, यहाँ पर सिंगल क्लिक फिल्टर दिए हुए यहाँ पर, ठीक है सपोज यहाँ भी इसमें भाव नहीं कोई है नहीं, यहाँ पर सपोज आज मार्केट हाई था तो ओपन हाई यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है निफ्टी में, जिस कंपनी का ओपन और हाई से लो सेम था वो कंपनी आज प्रॉफिट ही लिया हुआ उसने, जैसे कि यहाँ पर मारुति और SCL टेक्नोलॉजी हो गया तो उसका ओपन था 1,143.50, लो था 1,143.50 तो 45.75 पैसा वो प्लस ही रही, 4% अपसाइड थी वो मारुति, तो आप यहाँ पर जब मॉर्निंग में आप यहाँ पर इसको लॉगिन के लिए देखोगे ये प्राइस यहाँ पर 9:15 से 9:45 के आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ से कॉल बना सकते हो अपना, ठीक है। ये था वन क्लिक फिल्टर जिसमें एक कंडीशन ही रन हो रही थी, इसका एक एडवांस वर्जन यहाँ पर डायनामिक वन क्लिक फिल्टर है, वहां पर हम एक ही कंडीशन वन टाइम एक ही कंडीशन रन कर सकते कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये जो डायनामिक वन क्लिक फिल्टर है यहाँ मल्टीपल कंडीशन रन हो सकती है, जैसे कोई स्टॉक न्यू हाई कर रहा है पौने हाई पे भी है वो स्टॉक और 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम प्लस 3% से अगर कोई स्टॉक मूव कर रहा है अपसाइड के लिए तो मैं यहाँ पर ये सब कंडीशन एक साथ रन करना चाहता हूँ मैं, तो सेव एंड रन करूंगा मैं यहाँ पर, अब देखते हैं नाम है तो अभी सेव एंड रन करता हूँ मैं तो यहाँ रन होगा, अगर मार्केट बंद है तो शायद वो मूवमेंट नहीं दिखाएगा, और अगर आप मार्केट चालू होगा और आप करोगे रन तो वो आपको पूरे मार्केट में जो भी जितनी भी स्क्रिप्ट है सबको 5,000 स्क्रिप्ट है उसमें से जो कंडीशन आपने रन किए हैं उन कंडीशनों को वो फॉलो करके यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट फिल्टर करके आपको दिखाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको इजीली आपको आइडिया आ जाए कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर मूवमेंट में है। अभी यहाँ पर 25-50 स्क्रिप्ट आ रही है और अगर आपको ऐसा है कि आप जिस स्क्रिप्ट को देख रहे हो सपोज आपके यहाँ पर मेरा मार्केट वॉच दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा मेन 5 कंपनी में है 15 कंपनी है, मैंने सपोज 15 कंपनी मेरे मार्केट वॉच में मैंने ऐड करके रखी हो
तो मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ तो जिन कंपनियों को मैं वॉच कर रहा हूँ या जो कंपनी मेरे मार्केट वॉच में ऐड है उन कंपनियों के रिगार्ड ही मुझे यहाँ पर फिल्टर मुझे देखने को मिलेगा। अभी मार्केट बंद है इसलिए यहाँ पर फिल्टर नहीं हो रहा है। आप ओपन मार्केट में जब आप यहाँ पर एक बार ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पर फिल्टर देखने को मिलेगा। ये भी था। इसके अलावा कंपनी के कॉल में आपको बता रहा हूँ कहाँ से देखना है। रिसर्च के अंदर आपको टुडेज अपडेट कॉल है जो आज के कॉल यहाँ पर दिए हुए हैं, ये इंट्राडे कॉल दिया हुआ है कंपनी ने आज। ओपन था, सेल का रिकमेंडेशन था, गोल्ड में है ये, फुलट्रोस आइडिया डिलीवरी बेस्ड है, 1 to 5 डे के लिए कॉल भी दिया होता है, और मुझे सीमेंट कॉल दिया था आज कैश सेगमेंट में। ठीक है, रजिस्टर यहाँ पर ये रिसर्च रिपोर्ट के अंदर आपको कॉल देखने को मिलेगी कंपनी के। ठीक है, सेटिंग में अभी सपोज यहाँ पर आप देखोगे मार्केट वॉच में आपको यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, इतना सारा आप स्टडी नहीं कर रहे हो अगर, और आपको अपने मार्केट बना नहीं है, अपनी पर्सनलाइज मार्केट बना नहीं है, इतना लंबा आपको रखना नहीं है इतना ज्यादा, तो यहाँ सेटिंग में जाना है आपको, दूसरे सेटिंग में जाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अगर आपका ये सॉफ्टवेयर बार बार लॉग आउट हो जाता है तो उसके लिए सेटिंग्स में आपको बदल दे रहा हूँ। कुछ नेसेसरी सेटिंग्स है यहाँ पर आपको 999 कर देना है यहाँ पर, जिससे क्या होगा आपका ये सॉफ्टवेयर जो आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है अपना वो बार बार लॉग ऑफ ना हो जाए, आपको ट्रेडिंग पास डालने की जरूरत ना रहे बार बार, तो उसके लिए टाइम चेंज कर देना आपको, देन आपको सेव करना है, सेव ऑल करना है। उसके अलावा यहाँ पर रिसर्च के अंदर कंपनी इतने टाइप के कॉल्स प्रोवाइड करती है, तो आपको यहाँ और पॉपअप भी इनेबल कर देना है, कि जितने पॉपअप यहाँ दिए हुए अगर आप उसको इनेबल कर दोगे और सेव ऑल करोगे तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको यहाँ जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ वहां पर आपको पॉपअप विंडो ओपन होगा, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ एक बार, 1 मिनट बाद। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ सेव कर दिया और यहाँ जो निफ्टी की स्ट्रिप थी उसके अंदर बल्ब वगैरह दिखता है, जैसे कि यहाँ MNMA या ग्रीन बल्ब दिख रहा है आपको, कि मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर, सो रिसर्च कॉल करूंगा मैं यहाँ पर, तो इस तरह का पॉपअप मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी मैं सेटिंग में आपको जो बताया जहाँ पर जाके वो सेटिंग की जगह पर आप सभी पॉपअप एक्टिव कर दोगे तो कॉमोडिटी करेंसी इक्विटी सभी टाइप के कॉल आपको यहाँ पर पॉपअप में देखने मिलेंगे, टोटल 95 कॉल है, वो यहाँ प्रीवियस पर क्लिक करोगे आप तो दूसरे कॉल भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ये पॉपअप विंडोज आपको देखने मिलेगा। दोबारा हम सेटिंग में आते हैं, यहाँ पर सेटिंग के अंदर यूजर सेटिंग में ये टाइमिंग हमने चेंज कर दिया, हमारा जो ट्रेड टाइगर है बार बार लॉग आउट ना हो उसके लिए। रिसर्च के अंदर मैंने यहाँ पर और डिसेबल के इनेबल कर दिया, मैंने पॉपअप में टिक मार के, या मैं टिक करूँगा तो सभी ऑल पॉपअप मुझे यहाँ मिलने वाले हैं। के अलावा यहाँ पर सेटिंग में मार्केट वॉच है, मार्केट वॉच में या मार्केट वॉच की जितने भी है वो स्क्रिप्ट यहाँ आपको देखने मिल जाएगी, जो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। जैसे स्क्रिप्ट को भी जरूरत है मुझे यहाँ पर, फर्स्ट ट्रेड की जरूरत है मुझे, लास्ट ट्रेड की जरूरत, रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं अपने मुताबिक यहाँ पर जो चीज मुझे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ मैं ऐड और डिलीट कर रहा हूँ, आप अपने मुताबिक यहाँ ऐड डिलीट कर सकते हो, ये सब की जो जरूरत नहीं है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ से, या मेरा इतना स्टडी नहीं है इसमें और मुझे जैसे कि इसकी जरूरत है डिफरेंस प्राइस की जरूरत है मुझे और मुझे इसको ऊपर ले जाना है यहाँ से, तो मैं अपना मार्केट वॉच सेट कर सकता हूँ, परसेंटेज और प्राइस के बीच में मुझे डिफरेंस प्राइस चाहिए था, मुझे क्वांटिटी चाहिए 52 हाई और 52 लो, मुझे मेरे मार्केट वॉच में मुझे चाहिए सपोज, और इसके अलावा मुझे ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है जो एक्स्ट्रा है, मेरा स्टडी नहीं है इन पे, तो मैं अपनी मार्केट वॉच अपने मुताबिक बना सकता हूँ, जिससे मुझे इजीली मैं अपने स्क्रिप्ट के ऊपर स्टडी कर सकूँ। ये जो एक्स्ट्रा जो पीओट है ये मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, जिससे मेरा मार्केट वॉच ठीक ढंग से मुझे देखने को मिले और मेरा स्टडी सही ढंग से हो। जैसे कि मैंने यहाँ सेव किया, अभी सेव ऑल किया, मेरा मार्केट वॉच आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का हो गया यहाँ पर, जिसमें मुझे इजीली देखने मिल रहा है यहाँ पर एक्सचेंज है, न्यूज है कुछ अगर उसमें हो, स्क्रिप्ट कोड है, स्क्रिप्ट नेम है, सेक्टर जैसे मुझे आइडिया है कौन सा सेक्टर है, HUL है वो बैंकिंग सेक्टर है, कौन सा सेक्टर से IT सेक्टर है, परसेंटेज में कितना मूवमेंट हुआ वो डिफरेंस प्राइस, जैसे सपोज यहाँ 0.58% में मूवमेंट हुआ 13 रुपए
95 पैसे का यहाँ पर मूवमेंट हुआ। तो प्राइस क्या चल रहा है, 2407, 2407.10 पैसा उसका भाव चल रहा है, ठीक है। उसका बिड और ऑफर प्राइस ही चल रहा है। आज का ओपन ये था, आज का हाई इतना था, आज का लो इतना था, और इतनी क्वांटिटी में उसका ट्रेड हो रहा है। और भाव ने दिखाई, एक साल का हाई और एक साल लो और कंपनी का फुल नेम, इतना मुझे यहाँ पर इतना ही मुझे रिक्वायरमेंट है। तो मैं अपनी मार्केट में जिस तरह मैं अपनी सेटिंग सेट कर सकता हूँ, जैसे भी मैं पॉपअप यहाँ पर एक्टिव किया गया, हमको पॉपअप देखने को मिला, करेंसी में कॉल कंपनी की तरफ से है, उसमें एग्जिट दे दिया प्रॉफिट बुकिंग। इसके अलावा यहाँ पर आपको न्यूज़ का आपको पॉपअप आएगा, जैसे ये न्यूज़ लिखा, अगर उस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि IOC का रिजल्ट था। कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आता है अगर, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यूज में। अगर उसका रिजल्ट होगा तो अर्निंग्स लिख के आएगा वहां पर, कि टाटा मोटर्स का अर्निंग्स लिखा हुआ है, तो उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा यहाँ पर अपडेट होगा तो। यहाँ तक किसी कुछ क्वेरी हो तो मैसेज में चैट कर सकते हैं, लिख सकता है, कुछ जानना हो तो। या लेआउट में कलर कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आपको कुछ ग्राफ कलर चेंज करना है, और अगर आप कुछ सेटिंग करते हो अगर अपने अपने अकॉर्डिंगली, और आपका सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई ग्लिच आ रही है, तो आप यहाँ जाके रीसेट टूल बार लिखा हुआ है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो जिस तरह का आपका सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट डाउनलोड किया था आपने, उसी तरह का आपका आपका सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट हो जाएगा अगर इसको मैं एडजस्ट करता हूँ तो। इसके अलावा अगर आप जब भी मार्केट में जो ऐड कर रहे हो, कुछ स्क्रिप्ट आपने यहाँ पर ऐड की, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ इस मार्केट वॉच के अंदर आके, इस नाम की मार्केट वॉच में, तो यहाँ पर कैश सेगमेंट की स्क्रिप्ट यहाँ पर दिख रही है। सपोज मुझे FNO की स्क्रिप्ट ऐड करनी है फ्यूचर की, तो मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर मुझे काम करना है, तो बैंक निफ्टी में लिखा यहाँ पर एंटर दिया मैंने, नियर एक्सपायरी कॉल पुट, या मुझे फ्यूचर देखना है सपोज, तो फ्यूचर लिखा मैंने यहाँ पर, शो करूंगा मैं, तो मुझे नजदीक का जो फ्यूचर है, जैसे इस महीने की एक्सपायरी है, तो उसका फ्यूचर मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। सपोज मुझे इसका कॉल बाय करना है यहाँ पर, तो कॉल लिखूंगा मैं यहाँ पर, देन आफ्टर मुझे यहाँ पर शो करना है, और मुझे यहाँ पर मेरा स्ट्राइक प्राइस लिखना है। सपोज मुझे 40,000 का मुझे कॉल बाय करना है, सपोज 3 नवंबर की एक्सपायरी का, तो मुझे यहाँ पर कॉल यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एंटर दूंगा तो वो कॉल एड हो जाएगा। सपोज मुझे पुट बाय करना है 40,000 का, तो मुझे यहाँ पुट यहाँ लिखना है, और यहाँ मुझे वो करना है, सपोज 40,000 या 39,000 का मुझे पुट बाय करना है, तो नियरेस्ट टैक्स और फार एक्सपायरी के कॉल पुट यहाँ मुझे देखने मिलेंगे, मुझे एंटर करना है, तो मेरे यहाँ पर वो कॉल पुट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं आपको ग्राफ सेटिंग के बारे में बताया था। नॉर्मली जैसे कि रिलायंस का चार्ट है यहाँ पर, अगर सपोज अगर यहाँ पर आप सिंगल क्लिक करते हो तो आपको इससे एक मार्केट डेप देखने मिलेगा, जिसके अंदर बायर और सेलर दिखेंगे आपको। प्रीवियस क्लोज, आप ओपन, आज का ओपन, एवरेज प्राइस, हाई लो, अपर सर्किट लोअर सर्किट प्राइस दिखेगा, और किस प्राइस पे सौदा हो रहा है, जैसे LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस बराबर एक क्वांटिटी 2535.80 के भाव पे सौदा हुआ था उसका, ठीक है। सिंगल क्लिक पे आपको ये मार्केट डेप देखने को मिलेगा। सपोज मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर चार्ट देखने को मिलेगा। चार्ट में यहाँ पर आप इस तरह को चार्ट अगर बड़ा करते हो तो यहाँ पर आपको लाइन चार्ट दिख रहा है, शॉर्टकट की है यहाँ पर चार्ट की, ठीक करूंगा तो कैंडल चार्ट आ जाएगा। बट अभी चार्ट आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पहले टाइम चेंज करना रहता है। तो चार्ट देखना है मुझे, और 15 मिनट के चार्ट देखना है मुझे यहाँ पर, तो इस तरह का चार्ट मुझे देखने हैं यहाँ पर। इसमें अगर चार्ट में यहाँ मैंने चेंजेस किया, मैंने फिर मुझे डेटा देखना है मुझे, सपोज सिर्फ टी दबाता हूँ मैं तो यहाँ मुझे डेटा देखने मिलेगा। अभी मैं जिस कैंडल के ऊपर अपना कर्सर ले जाता हूँ यहाँ, जैसे कि मैंने इस कर्सर पे अगर अपना कर्सर ले गया मैं इस कैंडल पे, तो मुझे वहां राइट साइड में ऊपर आज का टाइम दिखेगा मुझे, उसमें ओपन हाई लो, इस कैंडल का ओपन हाई लो पर टाइमिंग दिखेगा मुझे, एक कैंडल 15 मिनट की है, और यहाँ पर इसको
एक कैंडल को हम अगर और स्टडीज ऐड करना हो मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टडीज दिया हुआ है यहाँ पर नॉर्मली, तो यहाँ मैं स्टडीज यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से इस बुक टाइप का स्टडी लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको कर्सर ले जाओ, वहाँ स्टडी लिखा हुआ आएगा आपको। राइट साइड में ट्रैक डाउन एरो है, उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑल स्टडीज का ऑप्शन है, उसमें मुझे जो भी स्टडी यहाँ पर ऐड करना है पर स्टडीज में यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली यहाँ चेंज करके उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मुझे दूसरी स्टडी ऐड करना हो सपोज, एवरेज लाइन ऐड किया मैंने यहाँ पर, तो ये सब जो स्टडीज है वो यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ। मुझे जूम करना है या जेड का ऑप्शन दिया, जूम आउट करना है तो मुझे यहाँ पर जेड पे क्लिक करना है, या फिर डबल क्लिक करूंगा तो ही मेरा चार्ट बड़ा हो जाएगा। यहाँ टाइम फ्रेम में दिया हुआ है, इन चार्ट 15 मिनट, 5 डे का चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है, 1 मंथ का चार्ट देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है, जो लाइन दिख रही है वो वॉल्यूम है, ये आपको RSI दिख रहा है, MACD है, ठीक है। तो आपकी अपने अकॉर्डिंगली जो आप स्टडी करते हो या फिर आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर आपकी स्टडी में प्लस माइनस कर सकते हो, या टाइम फ्रेम दिया हुआ है, इंटरवल दिया है, इसके अकॉर्डिंगली ये आप यहाँ बंद करके, सपोज अभी यहाँ पर ये आपकी जो स्टडीज आपने यहाँ पर ऐड की है अगर उसको आप सेव करना है सपोज, तो आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, बिकॉज ऑफ अभी जो मैंने स्टडीज ऐड की है वो स्टडी अगर मैं यहाँ बंद करता हूँ, यहाँ से अगर क्लोज करता हूँ विंडो, वो मेरी स्टडीज डिलीट हो जाएगी यहाँ से। सेकेंड डे मुझे दोबारा स्टडी ऐड करना देगा, फिर मुझे यहाँ पर चार्ट टेम्पलेट करके का ऑप्शन है, तो मुझे यहाँ पर स्टडी मेरा स्टडी नाम दे के मुझे उसको सेव करना है, ठीक है। जो मैं यहाँ सेव करूंगा तो मेरा स्टडी 1 टाइम के लिए सेव हो जाएगा, बट जो भी स्टडी मैंने यहाँ पर ऐड किया है वॉल्यूम का, MACD का, या कैंडल स्टिक चार्ट का, लाइन चार्ट का, और मुझे हर कोई भी स्क्रिप्ट मुझे ओपन करना है तो मुझे यही स्टडी उस पे इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सेटिंग में जाना है, ग्राफ सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस डिफॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है मुझे, और यहाँ पर मुझे जो मैंने स्टडी सेव किया ना इंट्राडे चार्ट के लिए 31, उसको क्लिक करना है और सेव करना है। यहाँ पर मुझे, मैं सेव करूंगा और मेरे यहाँ पर कोई भी चार्ट ओपन करता हूँ, जैसे मैं रिलायंस ओपन किया था उसकी जगह मैं अब यहाँ पर फेडरल बैंक ओपन कर रहा हूँ, जो भी स्टडीज मैंने यहाँ पर उसमें ऐड की थी वो सभी स्टडीज मेरे यहाँ पर सेम एज इट इज आ गई है। राइट साइड में मेरा डेटा बार दिया गया जिसमें दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और जो भी मैंने वॉल्यूम और जो भी मैंने MACD उसमें स्टडी ऐड की थी कैंडल स्टिक चार्ट, वो के लिए सेम इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फेडरल बैंक का चार्ट खोला हुआ है, उसके अलावा मुझे SBI का चार्ट भी यहाँ पर ओपन रखना है, तो कंट्रोल सी प्लस डबल क्लिक करना है मुझे, तो दूसरा चार्ट भी वहां पर ओपन हो जाएगा। तो आप अलग अलग विंडो अगर यूज कर रहे हो तो आप वहां आपको ये यूजफुल रहेगा स्टडीज। सपोज मुझे बैंक निफ्टी चार्ट भी ओपन करना है साथ में, तो मुझे कंट्रोल क्लिक करना है और डबल क्लिक करना है साथ में, तो मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चार्ट के अलावा आपको यहाँ पर ट्रेड टाइगर के अंदर फॉरेन फ्यूचर में अब उसको कस्टमर ऐसा है कि उसको क्लाइंट को ऐसा है कि मैंने जितने भी विंडोज ओपन रखे हुए हैं, जितने भी चार्ट मैंने ओपन करके रखे हुए हैं, वो चार्ट सब मेरे और सभी मेरे विंडो मुझे ओपन ना करने पड़े, तो उसके लिए यहाँ पर लेआउट सेव का ऑप्शन दिया हुआ है इस विंडो में। लेआउट सेव में कैसा है कि अगर आपने यहाँ 5 चार्ट ओपन रखे हुए हैं और ये जितनी मार्केट वॉच ओपन है यहाँ पर, ये सब आप जब भी सेकेंड डे आप ओपन करना चाहते हो और सेम ओपन हो आपने जो भी चेंजेस किए सॉफ्टवेयर में, तो आप यहाँ सेव का ऑप्शन है, इसको नाम देते हो आप लेआउट 1 और सेव करते हो, तो नेक्स्ट डे जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो सपोज, या फिर आप स्टे लॉगिन में नहीं हो आप और आपको एवरी टाइम पासवर्ड डालना पड़ रहा है, देन आफ्टर आप यहाँ लॉगिन करने के बाद में ये लेआउट 1 का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको, और ये लोड फाइल करोगे आप जितना भी यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था, जितना भी विंडो मैंने यहाँ ओपन किया हुआ था वो सब विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा दोबारा, जैसे ये सब मैं भी यहाँ बंद करता हूँ एक बार के लिए।
layout. मैंने लोड किया यहाँ पर, जितना भी विंडो मैंने ओपन कर रखा था वो एक ही क्लिक पे मेरा यहाँ पर सब ओपन हो गया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते मैंने सब बंद कर दिया था। तो लेआउट का बेनिफिट ये है कि आप सपोज ज्यादा स्टडी कर रहे हो, पांच चार्ट आपके ओपन रहते हैं, ये ऑप्शन फिल्टर है, तीन चार मार्केट वो सबके ओपन है, और बार बार आपको लॉग इन करके उसको क्लिक करके ओपन करना ना पड़े, तो उसके लिए आप ऐसा लेआउट चार्ट भी यहाँ सेट कर सकते हो। और आपको यहाँ टॉप में यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स वगैरह दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी ऐड करना है सपोज, तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना टॉप लाइन में आप अपना बैंक निफ्टी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे करेंसी हटा के आपको इंडाइसिस में आपको और बैंक निफ्टी ऐड करना है, आपको बैंक निफ्टी आपको ऐड करना है आपको, आप यहाँ क्लिक करोगे और इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका टॉप बार में आपको बैंक निफ्टी ऐड हो जाएगा आपका। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आपका आप चैट मैसेज बॉक्स में चैट में डाल सकते हो, आपको जरा से आपको कुछ जानना हो चैट में या कुछ रिपीट करना हो। क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या कुछ और रिपीट करना हो अगेन, या कोई स्पेसिफिक टूल आपको जानना हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बता सकता हूँ। अदरवाइज मैं आपको शेरखान क्लासरूम की फैसिलिटी है वो आपको बताने जा रहा हूँ मैं अभी। www.शेरखान.com, शेरखान.com की ये वेबसाइट है। किसी को कोई क्वेरी नहीं है ट्रेड टैग, अगर डेमो में कुछ क्वेरी हो तो हम वहां रिविजन कर सकते हैं अभी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर शेरखान के जो वेब पेजेस थे शेरखान कंपनी का उस पे आ गए। बेसिकली हम जो ट्रेड ट्रेड टैगर से लेते हैं सेम यहाँ पर शेरखान के पोर्टल पेज जो शेरखान का वेब पेज है उससे भी ले सकते हैं, सेम जो अपडेट हमको ट्रेड टैगर मिलती है वही यहाँ आपको दिखने मिलती है। यहाँ पर आप अगर लॉग इन का दिखाओ ऑप्शन दिया हो, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो एक अलग से विंडो पेज ओपन होगा जिसमें आपको आपका लॉग इन आई डी पासवर्ड डाल के आप लॉग इन लेना है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा शेरखान आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर, जिस तरह मैं आपको भी डेमो दे रहा हूँ ठीक है, उस तरह अगर आप खुद अपने हैंड से डेमो लेना चाहते हैं तो उसके लिए शेरखान क्लासरूम का एक फैसिलिटी प्रोवाइड है जिसमें आपको कंपनी लाइव डेमो प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो लाइव डेमो देते हैं, उसके यहाँ पर अपडेट दिए हुए हैं जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाता हूँ, सपोज अगर आप स्टॉक मार्केट में नए न्यू है तो आपको स्टॉक मार्केट में जानना है तो यहाँ हम स्टॉक मार्केट बेसिक के वीडियो दे रहे हैं। सपोज आप करेंसी मार्केट में जानना चाहते हैं कि करेंसी मार्केट किस तरह वर्क करता है क्या है, तो उसके करेंसी बेसिक ऑफ करेंसी है, सेम यहाँ बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड है, फ्यूचर कॉल एंड पुट में अगर आपको जानना है बेसिक ऑप्शन और क्या है तो वो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ये 1 आवर का वीडियो होता है, वीडियो है वो लाइव वीडियो होता है, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज चलता है, साथ में आप इसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी आपको ट्रेनिंग डेमो दे रहा था मैं आपको ट्रेड टाइगर का, तो ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर का हमारा बेसिक डेमो भी है और एडवांस डेमो भी है, बिकॉज ऑफ ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है कि उसमें अगर हम 2 घंटे 3 घंटे बात करें तो अभी उसमें इतने फीचर्स है कि वो कम नहीं है, कम नहीं होंगे बोलने के लिए। तो यहाँ स्पेशली ट्रेड टाइगर खाली ओनली फॉर ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ डेमो दिया हुआ, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस डेमो का एक पूरा सेशन है हमारा, तो यहाँ पर आपको ये सब सेशन देखने को मिलेंगे। वेबसाइट जो मैं आपको वेबसाइट दिखा है उसका भी डेमो यहाँ दिया हुआ है, तो अगर आपको फर्दर स्टडी करना है तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ हमने ट्रेडिंग कोर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रेडिंग इन करेंसी, पोजिशनल ट्रेड, फ्यू डेज के लिए पोजिशनल ट्रेड कैसे लेना है, पैटर्न फाइंडर क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इन कॉमोडिटी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, उसके अलावा मार्केट में इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर, इन्वेस्टमेंट के जिनको स्टार्ट करना है उसके लिए बताया हुआ है, फिर
म्यूचुअल फंड के साथ अपना वेल्थ कैसे बना रहा है उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे वेबिनार दिया हुआ है। कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरा कर्सर घूम रहा है, जैसे कि अभी 2 अक्टूबर कल है तो FNO दिया हुआ है, तो आप FNO का फुल फॉर्म देखोगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिक का हमारा कल इसका लाइव वेबिनार रहेगा जो हमारा मुंबई से कंडक्ट होता है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज यहाँ पर में आप वेबिनार्स होते हैं, हिंदी के सेशन थोड़े कम होते हैं, इंग्लिश के थोड़े प्रीफर ज्यादा रहते हैं। फिर भी अगर सपोज आपको हिंदी के वेबिनार देखने हो तो यहाँ एक ऑप्शन है एक्शन रिप्ले करके, इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लॉग इन डाटा रहेगा, तो ये हमारे कस्टमर्स के लिए ही है। मैं लॉग इन ले रहा हूँ, इससे आपको जो डेमो वेबिनार से वो आप देख सको। यहाँ पर मैंने लॉग इन ले लिया है, ये जो क्लासरूम के जो वीडियोस हैं वो डाउनलोड नहीं होते, वो लाइव ही चल रहे होते हैं, या हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज दी हुई है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद में जो मैंने आपको इससे पहले लर्निंग कैलेंडर दिखाया था वो लाइव सेशन होते हैं, ये एक्शन रिप्ले के अंदर यहाँ पर आपको जो ऑलरेडी सेशन हो गए हैं उसका यहाँ पर डेमो देखने को मिलेगा। ये लर्निंग बेसिक है, यहाँ पर वो स्टेट टाइगर का डेमो दिखता है, अगर आपको या स्टेट टाइगर डेमो दिया हुआ बेसिक में यहाँ क्लिक करता हूँ, अगर इस तरह का वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर मुझे नाम, अपना लास्ट नेम, मेरा ईमेल आईडी, दोबारा मेरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और मेरा क्लाइंट शेर खान का कस्टमर आईडी या लॉगिन आईडी डालना है मुझे यहाँ पर और सबमिट करना है। उसी के साथ मेरा यहाँ पर ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने ये जो शेर खान क्लासरूम फैसिलिटी है वो मोबाइल में भी हमने स्टार्ट कर दिया है, आप यही चीज मोबाइल में जाकर भी आप देख सकते हो। ये लाइक बेसिक आपको अगर आपको एक्स्ट्रा लर्न करना है तो उसके लिए ये टूल्स यहाँ पर शेर खान ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको मेंटर जो ट्रेनर होता है वो आपको लाइव डेमो देगा और उसका डेमो परफेक्टली वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में। इसके अलावा हम आते हैं वापस हमारे पेज पे जहाँ ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, सपोज अगर आप कहीं बाहर है और आप स्टेट टाइगर लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, और आप कोई साइबर कैफे में जाके अगर ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये प्रोसीजर होगा, शेरखान डॉट कॉम पे जाके आप ट्रेड ले सकते हो। जो भी ट्रेड आपने स्टेट टाइगर में किए हुए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये मेरा एक कस्टमर का मैंने अकाउंट यहाँ पर ओपन किया जो अपने स्टेट टाइगर में देख रहे थे उन्हीं का ही है, तो इस तरह का एक वेलकम पेज ओपन होता है, यहाँ पर आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएगी। ये पोर्टफोलियो आपका, तो यहाँ करंट वैल्यू जो है आपकी वो यहाँ देखने को मिलेगी, 65,000 की करंट वैल्यू है उनकी, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट 48,000 का किया था। आज का उनका टुडे मार्केट जो ओपन हुआ है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी मूवमेंट हुआ अकॉर्डिंगली आज का उनका 1,318.90 पैसे का उनका प्रॉफिट है, आज का परसेंट 2.73 का प्रॉफिट उनका। ओवरऑल उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें उनका भी 17,451.90 का प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है उनको, तो उनका अनरिलीज इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है। उनके अकाउंट में अभी इक्विटी 41,000 का इक्विटी बैलेंस है उनके अकाउंट में। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो उनका क्या है तो मैं आपको सेक्टर वाइज के भी आपको देखने को मिल रही है, उनका एलोकेशन देखने को मिल रहा है, आपको कौन से शेयर में कितना इनका करंट वैल्यू है और कितना प्रॉफिट रहा वो देखने को यहाँ मिल रहा है। आपको डिटेल में आपको स्टडी करना है तो आप यहाँ क्लिक करो करंट वैल्यू पे, तो आपको यहाँ पर वो डिटेल आएगा। आपको वो डिटेल भी इस तरह का होगा, होल्डिंग वैल्यू करंट वैल्यू सब आप डिटेल नहीं है। यहाँ पर उनको एक बिल्ला एएमसी का आईपीओ लगा था, दो शेयर उनके पास पड़े हुए, बाइंग प्राइस उनका ये कॉस्ट है, उनका होल्डिंग प्राइस ये हुआ वैल्यू, और लास्ट ट्रेड प्राइस LTP को यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको मार्केट वैल्यू उनका इतना हो रहा है अभी, तो उनको 119 का लॉस हो रहा है यहाँ पर उनको, ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको IRIDC में आप देखोगे तो उन्होंने ये शेयर इतना बाय किया था, ये वैल्यू है, यहाँ पर टुडेज प्रॉफिट है और ओवरऑल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस यहाँ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर अकाउंट में आपको फंड ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फंड ट्रांसफर हम नेट बैंकिंग UPI से और RTGS से करते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप यहाँ यहाँ क्लिक है, अगर आपका बैंक टू इक्विटी करना है, बैंक से आपको डीमैट में पैसा लाना है, यहाँ क्लिक करते हो अगर आप, और अमाउंट लिख के आप UPI लिखोगे यहाँ पर एंटर करते हो तो आपके अकाउंट में फंड आ जाएगा। सपोज आपको विड्रो करना है तो यहाँ विड्रो फंड का ऑप्शन है, विड्रो करोगे आप तो यहाँ पे अमाउंट लिखनी है,
अमाउंट आपको यहाँ दिखा रही है वो आपकी प्योर विदाउट सेटलमेंट अमाउंट है जो आपको आपके बैंक अकाउंट में लेने के लिए वो आप उस अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो। अदरवाइज सेटलमेंट में होगा तो आपको बैलेंस जा दिख रहा होगा बट आपका सेटलमेंट नहीं हुआ होगा तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये हुआ यहाँ पर। और हमारे साथ कितनी बैंकों का टाई अप है उसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है तो आप नीचे ना देख सकते हो लेफ्ट साइड में विंडो में राइट साइड में आपको दिख रहा है ये बैंक डिटेल दी बैंकों का आपका टाई अप है हमारा। इसके अलावा मार्केट वॉच जिस तरह हम डेटा के मार्केट वॉच बनाई थी उसी तरह हम यहाँ पर मार्केट वॉच बना सकते हैं। देखिए इन्होंने अपनी प्ले सिक्स मार्केट वॉच बना के रखी कल पे इसके नाम से वो यहाँ शेयर दिए हुए हैं। वैसे अगर आप यहाँ पर अपनी नई मार्केट वॉच क्रिएट कर चाहते हो तो यहाँ से आप एक नई ब्लैंक मार्केट वॉच बना सकते हो जिसको हम नाम राकेश नाम देते हैं सपोज ये ओके किया मैंने यहाँ पर तो ब्लैंक मार्केट वॉच बन जाएगी। ठीक नई मार्केट वॉच के लिए नया नाम दिया है संजय नाम दिया है तो नई मार्केट वॉच बन गई। ये ब्लैंक मार्केट वॉच है यहाँ पर मुझे ऐड करना है यहाँ पर मुझे तो यहाँ मुझे नेम डालना है बीआई लाइफ क्या मैंने एंटर तो मैंने यहाँ पर ऐड टू संजय किया मैंने यहाँ पर ये ऐड हो गई। यहाँ पर इसका यहाँ पर प्रीफिक्स मार्केट वॉच है इसको भी हम यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है सपोज मुझे अगर यहाँ से अभी ट्रेड लेना है शेखा वेब पेज से तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पर जो काम की जब यहाँ आगे बढ़ रहे तो ट्रेड नाउ के ऑप्शन में जाना है मुझे। सपोज मुझे एनएससी में ट्रेड लेना है तो एनएससी में क्लिक करना है बीएससी में लेना है बीएससी में क्लिक करना है एनएससी एफओ में लेना है यहाँ एनएससी एफओ में क्लिक करना है। सपोज मैं एनएससी में क्लिक करता ले रहा हूँ मैं सपोज मुझे यहाँ पर टोमेटो का शेयर बाय करना है मैं लिखा तो मैंने यहाँ पर मुझे पेज ओपन हो गया जोमेटो का प्राइस आ गया आज का प्राइस 132.65 ठीक है बाय क्वान्टिटी करना है मुझे 100 शेयर मुझे बाय करना है। मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 132.65 जैसे मैंने आपको बताया आपको सेम प्राइस रहता हो तो मार्केट से बाय जाएगा या लिमिट हो जाएगी 0 मीटर होगा तो मार्केट से बाय होगा और सपोज 132 या 131 लिखता हूँ तो वो लिमिट होगी मेरी। ये नॉर्मल ऑर्डर सेम मुझे यहाँ पर आज के लिए ऑर्डर प्लेस करना है मुझे तो TFD सपोज मुझे ये बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रखना है जब भी मेरा प्राइस आता है 132 की जगह तो 135 से बाय करना है और आने वाले 10 दिन में अगर 125 प्राइस आता है और मैंने बाइंग रेडी किया है और यहाँ 1 महीने का लिमिट मैंने रखा हुआ है फिर सपोज जब भी मेरा प्राइस आएगा तो मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा बाइंग रेडी के अकॉर्डिंगली। और सपोज मैंने यहाँ पर GFD किया है तो आज के दिन अगर मेरा प्राइस आता है तो शेयर बाय होगा अदरवाइज मेरा डेट वहीं का वहीं एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मार्केट जो डिप है वो आपको ऑलरेडी यहाँ देखने मिलता है ऑर्डर प्लेस करने के टाइम ही या आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हो सपोज अगर आप ये मैं यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो आपको सेकेंड ट्रेड यहाँ ट्रेडिंग पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना रहेगा तो आप ट्रेडिंग पासवर्ड डालोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर लिमिट देखने को मिलेगी। लेकिन माई GTD का मैं अभी यहाँ पर एक ऑर्डर डाल के आपको दिखाता हूँ किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर 125 का प्राइस रख के मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ ट्रेडिंग पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ट्रेडिंग पासवर्ड डालते हैं मेरा यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। कंफर्म सर पूछेगा कि एनएससी बाय करा हूँ जोमेटो बाय कर न्यू ऑर्डर है बाय का ऑर्डर 120 मुझे बाय करना लिमिट है मेरा बिकॉज ऑफ मार्केट प्राइस 132 था मार्केट बंद है पर माय GTD ऑर्डर है तो ये एक्सेप्ट करेगा सिस्टम। अभी मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया उसका मुझे ट्रैक करना है वैसे एक विंडो ओपन होगा बाद मुझे यहाँ पर ट्रैक ऑर्डर करना है ठीक है तो माय GTD ऑर्डर मेरा जो होगा मुझे यहाँ विंडो मेरा यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा। अभी मार्केट बंद है इसलिए यहाँ पर नहीं आया वो आफ्टर मार्केट 2 o'clock के बाद में वो यहाँ पर एक्टिव होता है। ठीक है ट्रेड नाउ EMF भी है यहाँ पर ओके ओके। इसके अलावा किसी के भी IPO चल रहा है ठीक है तो अगर आपको IPO भरना है तो आप कैसे IPO भर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि 4 IPO चल रहे हैं यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक का अगर आपको IPO भरना है या PB फिनटेक का IPO मुझे भरना है यहाँ पर तो यहाँ मुझे यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है मुझे और ये जो
प्राइस यहाँ पर, यहाँ पर डीमैट अकाउंट नंबर दिया हुआ है और यहाँ रिटेल कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ जो क्वांटिटीज का लॉट साइज है वो यहाँ दिख रहा है, 15 की लॉट साइज है, उसका कट ऑफ प्राइस यहाँ पर जो है पॉलिसी बाजार आईपीओ का वो यहाँ दिख रहा है। मुझे कितना पैसा अपने अकाउंट में ब्लॉक करना है वो मुझे यहाँ पर रखना है अपना। अभी यहाँ मार्केट टाइमिंग यहाँ बिल्ड करने का, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। सपोज दिस आज पॉलिसी बाजार का सेकेंड डे है तो यहाँ 5 बजे का टाइम था, तो अभी यहाँ 5:12 हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर मेरा आईपीओ का मैं यूपीआई डालता हूँ यहाँ पर XYZ नंबर डाल के, तो मैंने एक यहाँ पर यूपीआई डाल दिया यहाँ पर, तो उसको प्रोसेस अगर मैं करता हूँ, मैं सपोज टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है मुझे यहाँ पर, सबमिट करना है। सबमिट करना है यहाँ पर, इस तरह एक विंडो ओपन होगा जिस विंडो के अंदर यहाँ ऑर्डर कंफर्म ऑर्डर करता हूँ मैं, तो मेरा यूपीआई आईडी यहाँ पर आईपीओ भरा जाएगा मेरा। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर पॉपअप दिखेगा पॉलिसी बाजार का, मेरा आफ्टर आवर दिख रहा है। इट मींस कि ये मेरा जो आईपीओ है अभी मेरी जो कंप्लीट हो गई है। अब कल सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock को जब आईपीओ बाजार ओपन होगा तो बैकएंड से ये एक्टिव हो जाएगा। अगर मुझे कैंसिल करना है तो मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, दोबारा यहाँ मुझे क्लिक करना है और मैं ये कैंसिल कर दिया। अगर मैं कैंसिल नहीं करता तो ये मॉर्निंग में 10 o'clock को मेरा आईपीओ एक्टिव हो जाता और मुझे मेरे यूपीआई में मुझे मैंडेट आ जाता जिसको मुझे एक्सेप्ट करना था। यहाँ पर अपना किसी कुछ क्वेरी हो तो हम उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, बाकी जो भी नेसेसरी डिटेल्स थी वो हमने देख ली। तो सर हाँ, वी कैन टॉक, वी कैन टॉक। अगर किसी को क्वेरी ना हो तो फिर हम यहीं पर हमारा सेशन समाप्त करते हैं आज का। किसी को अगर कुछ क्वेरी हो तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो हम उसको रिपीट करेंगे उस रिगार्डिंग, उस क्वेरी के रिगार्डिंग। अगर किसी को क्वेरी नहीं है तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। Thank you.